आज मनीष कश्यप के पटना वाले फ्लैट पे जो रेंटेड फ्लैट है उस फ्लैट पे फिर से ईओयू की टीम पहुंची पूरे दल बल के साथ और फिर से प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन इस बार जो प्रोसेस है वो खुशी की खबर वाली प्रोसेस है और क्या है पूरा मामला वो हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए ईओयू है कौन। एक्चुअली जब मनीष कश्यप ने वीडियो डाला था तमिलनाडु के मजदूर प्रकरण पे तो पूरे मामले को यही लोग आके हैंडल कर रहे थे और उसके बाद देखा ही होगा किस तरीके से मनीष कश्यप पे धाराएं लगे, जैसे NSA, फिर 24 मुकदमा हुआ, कुर्की जब्ती हुआ, पूरे बिहार के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मनीष कश्यप अब निकलेंगे तब निकलेंगे, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और इसमें सारा खेला, सारा जाँच, सारा पुलिस प्रशासन जो था वो ईओयू की टीम का ही था। और आज वो ईओयू की टीम जो है वो फिर से पटना पहुंची है, पटना मनीष कश्यप के घर पहुंची है, पटना मनीष कश्यप के उस घर पहुंची है जहां पे मनीष कश्यप पूरा सच तक टीम चलाते थे। और उस फ्लैट पे जब मनीष कश्यप जेल गए थे तो सील पैक मोहर मार दिया गया था कि आज से ये चीज़ें बंद रहेंगी। और आज के दिन मनीष कश्यप को वो फिर से चाबी सौंपने गई है ईओयू की टीम और कही है कि ये चाबी लीजिए और आज से हम आपका फ्लैट आजाद करते हैं। दोस्तों मनीष कश्यप के दोस्त मनी द्विवेदी के नाम से वो पूरा फ्लैट था, मनी द्विवेदी पे भी केस हुआ था और मनी द्विवेदी जो है वो बैठते हैं उस रूम में, मनीष कश्यप का भी वहाँ पर रहता है सब कुछ और वहाँ पर ईओयू की टीम डिस्कस करती है, पूरा कागज पत्र वाला काम करवाती है और मनीष कश्यप के ऑफिस का चाबी मनीष कश्यप को सौंप दिया जाता है कि जाइए अब आज से बनाइए वीडियो, बनाइए तहलका, पूछिए कि पुल में कौन सा सीमेंट लगा है, कौन सा बालू लगा है और फिर सभी बिहारियों का आवाज़ बनिए। अब दोस्तों फाइनली आप समझने की कोशिश कीजिए, मनीष कश्यप से NSA हट गया, मनीष कश्यप का फ्लैट उनको मिल गया, मनीष कश्यप के कुर्की जब्ती में जितने सामान गए थे वो सारे वापस आ गए, मनीष कश्यप के गांव में इतना बड़ा जन सैलाब आया कि पूरा बिहार देखते रह गया और कुल मिला के देखा जाए तो मनीष कश्यप और जेल केस का जितना भी संबंध था वो सब अब एक समय पे आके ख़त्म हो चुका है और मामला अब एकदम समझिए क्लीन चिट की ओर है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप से जो NSA है वो हटा नहीं है, उनको बेल मिला है, तो इस बात को भी आप जान लीजिए कि पूरी तरीके से मनीष कश्यप से NSA हट गया है और कोर्ट ने कहा है कि ये गलत तरीके से इन पे NSA लगाया गया था, कोई पर्याप्त सबूत नहीं है कि इनको NSA के अंदर रखा जाए और अब मनीष कश्यप बाहर हैं। तो ईओयू की टीम की ये अपडेट थी कि मनीष कश्यप को आया था चाबी देने। खैर इस पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताइए और बाकी वीडियो को शेयर करके बताइए कि अब तो मनीष कश्यप के जीवन में सब कुछ सही 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 हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।